मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल का मामला सामने आया है, जब 90 साल के बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयर टेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान को हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री तक करा ली। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा चुकी है और मगर न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल है GL कुलश्रेष्ठ ने अपनी पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए एक महिला केयरटेकर को रख लिया, मगर केयरटेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांतरण कर अपने नाम करवा लिया। और ताज्जुब की बात तो यह रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयरटेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की खबर दोस्त से लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता चला तो मानो जमीन खिसक गई। और अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि गवाह के तौर पर साइन करने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे की कैसे हो गई? दादाजी आपका क्या नाम है? डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। कहाँ रहते हैं आप? M10 चेतकपुरी में मैंने मकान बनवाया है अपने प्लॉट के ऊपर और उसी में मैं रह रहा हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? लता ने ये कोशिश की है, लता मेरे यहाँ काम करती थी, बाई थी, 2006 से उसने 2018 तक काम किया और खाना भी यहीं बनाती थी। 6 महीने बाद उसने कहा कि अंकल वहीं मैं बुला लिया करूँगी, तो गाड़ी भेज के बुलाती थी और वहीं खाना खिला के शाम का खाना 2 पराठे साथ में रख के पवन छोड़ जाता था उसका हस्बैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके माइंड में मेरा मकान लेना और हड़पना और इन्वॉल्व करना है। तो एक दिन पवन बोला कि चलिए किसी की रजिस्ट्री पे गवाही देना है। गवाही के नाम से मुझको ले गया, पर दूसरे ही दिन मालूम पड़ा कि उसने मेरे ही मकान के कागज बना के उन पे दस्तखत करा लिए हैं। मतलब आपका मकान आपसे हड़प लिया गया? मकान एक्चुअली मेरे हिसाब से तो हड़प ही लिया गया है, परंतु मैं मकान में रह रहा हूँ इसलिए कोई और कोशिश उनकी नहीं चल पाई। पवन के साथ एक व्यक्ति पंकज कुशवाहा नाम का, जो कि ये मकान के ऑफिस में कुछ मकान का काम वाम करता है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। और ऐसा मैंने सुना है कि मकान के खरीद फरोख्त के मामले में 30-70% का इन्वॉल्व में है, 70% लता, 30% पंकज कुशवाहा। तो जिन दस्तावेजों पे आपके सिग्नेचर कराए गए, क्या वो आपको पढ़कर सुनाए गए थे? नहीं, पढ़ के बिल्कुल नहीं सुनाया, बस मुझसे तो ये कहा कि आपको अंकल आपको रजिस्टर ऑफिस चलना। जब आपसे सिग्नेचर कराए गए तो वहाँ कितने लोग थे? लता, पवन, मैं और रजिस्टर। तो आपको बताया गया था कि ये सिग्नेचर क्यों किया जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बताया, रजिस्ट्रार को पूछना चाहिए था और कागज मुझको दिखाना चाहिए था, पर मैंने लता पवन के यहाँ 15-18 साल से जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ उनके यहाँ, इसलिए मैंने विश्वास कर लिया। तो उन्होंने आपको कुछ पढ़ के सुनाया था?
नहीं बिल्कुल पढ़ के नहीं सुना, भूल रहे हैं बार बार। चलो अरे आपको ये एक लता पवन मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस लेके गए, पंकज कुशवाहा भी था और रजिस्ट्रार ने मुझसे पूछा कि आप अपना गवाही देने आए हो। मैंने कहा तो आपको पढ़ के सुनाया गया था वहाँ पे मुझे पढ़ के। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।